नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें मंडे को कौन से स्टॉक्स पे बाय या सेल करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने दो वीडियोज़ अपलोड कर दी है इस वीकेंड में और उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप लोग बाय कर सकते हो विद अ पर्सपेक्टिव ऑफ 2 to 3 weeks और वो बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। वो प्रोबेबली एक स्विंग ट्रेड्स हैं। सो मैं उसका जो भी वीडियो का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर वीडियो के एंड पे आपको यहाँ पर बॉक्स पे शो कर जाएंगे, आप जाके क्लिक कर सकते हैं और उन वीडियोज़ को भी आप जाके देख सकते हैं। प्लस मेरे दिमाग में आ रहा था कि 60,000 सब्सक्राइबर्स, जैसे ही हम लोग 60,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर लेंगे मैं एक गिव अवे दूंगा और बहुत बढ़िया गिव अवे दूंगा, मतलब मार्केट से रिलेटेड ही गिव अवे होगा क्योंकि मैं चेक कर रहा था बहुत सारे यूट्यूबर्स में कि वो लोग भी गिव अवे देते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जैसे 60,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं सो आई विल प्रोवाइड अ गिव अवे। सो देखते हैं कि कितनी जल्दी हमारे 60,000 की फैमिली क्रॉस होती है। सो इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है ग्रासिम इंडस्ट्रीज़। सो ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ पे आप लोग कल इंट्राडे पे एक बाय पोजीशन इनिशिएट करके रख सकते हैं। रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, वो लोग भी समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये ब्लू कलर का एक जोन बना रखा है। इस ब्लू कलर के जोन में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर इसमें एक सपोर्ट था, जब ये सपोर्ट ये वाला लेवल ब्रेक हुआ उसके बाद जब इसे दोबारा रीटेस्ट करा इधर साइड तो वहाँ रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस मिला, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस था, थर्ड टाइम इधर रेजिस्टेंस मिला और इवेंचुअली ब्रेक कर गया। ठीक है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था जो कि था 640 के आसपास का। 640 के लेवल का एक बहुत बढ़िया कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जो नेक्स्ट 2 days था वो कैंडल के नीचे ही बना रहा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपका पर्सपेक्टिव। या इधर देखिए कि यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, इस वाली कैंडल ने एक बहुत बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद 2 दिन कैंडल ने हॉल्ट करा इसी रेंज के अंदर, इस बिग कैंडल के अंदर। अब हमने क्या देखा फ्राइडे के सेशन पे कि इसके ऊपर जाके दोबारा क्लोजिंग कर दिया। सो एक अपमूव दोबारा आ सकती है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दोबारा बन सकती है, हो सकता है कि कल ये हॉल्ट कर जाए इधर ही उसके बाद जाके अपमूव दे, तो आप लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये कल अपमूव नहीं देता तो जेन्युइनली पर्सन एक अपमूव दे सकता है। सो जो भी लेवल्स हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आप लोग हमारे इस पर किस तरीके से एंट्री बनानी है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन पर नीचे लिंक है, या फिर आप सीधा टेलीग्राम पर सर्च में जाइएगा, सर्च में हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम सर्च करिएगा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। अराउंड 9.3K सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी ज्वाइंट है, ब्लू कलर का लोगो होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल फेक अकाउंट्स बन चुके हैं हमारे नाम से, सो ब्लू कलर का लोगो होगा, आप लोगों को आसानी होगी ज्वाइन होने में। ठीक है, सो हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है मैरिको। मैरिको भी मेरी वॉच लिस्ट में बहुत टाइम से था और इवेंचुअली अभी इस लेवल के ऊपर जा चुका है, तो हम लोग देखते हैं वो लेवल क्या है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। या इस साइड देख सकते हैं आप लोग कि ये एक रेंज है, पर्टिकुलरली इस रेंज के अंदर ये काम कर रहा था स्टॉक। एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ने, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ने एक ब्रेकडाउन दिया, ऊपर गया, जो पहले हमारी एक रेंज थी जो सपोर्ट का काम कर रही थी इस लेवल पर, वो रेजिस्टेंस बन गई इधर क्योंकि ऊपर गया। मैं आपको और क्लियरली व्यू से दिखाता हूँ, जब ये लाइन ब्रेक हुई नीचे आया, ऊपर यहाँ पर रीटेस्ट लिया, यहाँ पर रीटेस्ट लिया और फिर एक और नीचे ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, ये जो टाइम था ये था अक्टूबर का महीना 2019 में। अब दोबारा इधर ये आया, इधर इसने दोबारा रीटेस्ट करा, दोबारा नीचे गया, अब जाके इसने ऊपर क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, इसने अराउंड 375 के ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया जो कि एक बेस्ट लेवल है। अब दोबारा इस रेंज के अंदर ये आ चुका है। सो हायर साइड की जो रेंज है वो 400 की है और लोअर साइड की रेंज है 370 के आसपास की। सो इसी के रेंज के अंदर ये ट्रेड कर सकता है, बट कल इवेंचुअली मुझे लगता है एक बाइंग आ सकती है। सो बाइंग के लेवल्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है HDFC बैंक, जो भी मैं आप लोगों को रिकमेंड कर चुका हूँ। ये हमारा खुद का एक स्विंग ट्रेड है, चार्ट ऑफ द वीक है, जो कि नेक्स्ट वीक पे बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। इस पर भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि इंट्राडे में भी अच्छी परफॉर्मेंस ये कर सकता है। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं एक अपर राइजिंग चैनल पर ये ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात, ये इसने एक डबल बॉटम टाइप सिनेरियो बनाया
उसके बाद जो इसका ये पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर जाके ये ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग कर चुका है, और अगर हम हायर साइड से जोड़ते हुए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो एक ब्रेकआउट भी आ चुका है। सो बेस्ट लेवल है, बेस्ट जोन है बाय के लिए, तो आप लोग बाय कल इस पर बना सकते हैं और ये भी हम लोगों को अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक पे आप लोग यहां पर देख सकते हैं, हिंदुस्तान जिंक पे आप लोग इस टाइम पे देख सकते हैं, मेरी तो 200 लेवल से ऑलरेडी बाइंग है। ये देख सकते हैं कि मल्टीपल जब हम लोग ने अपर राइजिंग को हाई स्कोर टेस्ट करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो पता चला इधर से ब्रेकआउट आया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप देख सकते थे कि यहां पर एक रेजिस्टेंस था, ये देख पा रहे थे एक रेजिस्टेंस था, वो इवेंचुअली रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ एट अ टाइम, एक अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक हुआ। अब दोबारा क्या कर रहा है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट लेवल है कि नहीं है, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखिएगा कि इस लेवल से एक ब्रेकआउट दिया, दोबारा नीचे आया, रीटेस्ट करा, दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे आ रहा है। अब स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया, एक बेस्ट बाय तो नहीं बनता है, बट हम लोग एक ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी यहाँ से निकल जाती है तो शायद हम लोग इसे मिस कर जाएंगे। सो ये लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर ये जाता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट हम यही कोशिश करेंगे कि ये इसके नीचे ना जाए, क्योंकि एक मल्टी लेवल ब्रेकआउट है। सो अगर ये इसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो हम लोग एक बाइंग लेवल इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करता हूं तो इसके ऊपर हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। सो लेवल आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। लास्ट स्टॉक आता है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड पे भी आप लोग देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। पावर ग्रिड पे अब आप लोगों को क्या देखना है कि मल्टीपल जो हाई स्थान लोगों को हमने टेस्ट करा, देख सकते हैं, टेस्ट करने के बाद पता चला कि इवेंचुअली यहां पर एक ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट आने के बाद दोबारा ये रेजिस्टेंस है जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई है, देख सकते हैं प्रीवियस स्विंग हाई का रेजिस्टेंस है। जैसे ही 190.5 के ऊपर ये निकलता है तो एक बाइंग इसमें दोबारा इनिशिएट हो सकती है, और उसके बाद जो लेवल है वो ये लेवल आ रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन थोड़े अच्छे से बनाएंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा। सो इंट्राडे के लिए पांच स्टॉक्स जब आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, और उस पर हम लोगों को क्या करके चलना है तो वो लोग का भी सिनेरियो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस पर हम लोग आर्ली चार्ट यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि डेली चार्ट पे तो कोई भी वॉलीटिलिटी, मतलब एक रेंज के अंदर ये बना हुआ है। या अगर मैं इस लाइन को, पर्टिकुलर लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो ये लाइन हमें क्या इंडिकेट कर रही है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं दोबारा इस पॉइंट को लगा देता हूँ। या अभी मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एक शार्प फॉल देती है, उसके बाद हम एक अच्छी खासी रिकवरी देख लेते हैं। रिकवरी देखने के बाद हम क्या देखते हैं, जब अपने पीक पे पहुंच जाता है तो दोबारा एक सेलिंग आ जाती है। अब मार्केट क्या कर रही है, अभी भी अपने पीक के आसपास ही है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये लेवल कौन सा है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेवल की जो क्लोजिंग है अराउंड हुई है 11,380 के आसपास। सो जब भी 11,400 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिले, अभी तक हम लोगों को 11,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है, इवेंचुअली इवन 11,400 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलेगी तो हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 11,530 विद इन 5 to 6 डेज। बट जब तक 11,400 के नीचे हम लोग सिर्फ बाय एक्यूमुलेट करेंगे, डिप में शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। सो बैंक निफ्टी पे भी सेम सिनेरियो, उस पर भी हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार और दिखा देता हूँ। या बैंक निफ्टी पे भी आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से एक शार्प फॉल आई, एक शार्प रिकवरी आई, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जोन जो आप लोगों को मैंने बताया था अराउंड था 22,400। जब तक इसके ऊपर एक क्लोजिंग नहीं मिल जाती है तब तक हम लोग एक बाइंग के लिए सिनेरियो नहीं देख सकते। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी वीक है, बट इस पर एक सिमिलर पैटर्न बन रहा है जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस पर इसने एक कप बनाया और एक हैंडल था, एक कप एंड हैंडल का अगर इस लेवल से ब्रेकआउट देता है 22,400 से, सो इंट्राडे पे भी एक बाइंग आ सकती है, बट हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, जो कंफर्मेशन होगा 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग। जैसे हम लोगों को 15 मिनट्स कैंडल की क्लोजिंग मिल जाएगी, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाएगी 22,400 के ऊपर, हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, प्लस आप इंस्टाग्राम या ट्विटर पे भी हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग एजुकेशन पर्पज़ के नॉलेज प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और 60,000 जैसे क्रॉस होगा गाइस, सो प्लीज़ शेयर करिए इस हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो उसके बाद हम लोग एक गिव अवे रखेंगे और वहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड होंगे। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मैं शिवांश भसीन, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे। साइनिंग ऑफ।